नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर सबकी निगाहें इस वक्त आरजेडी पार्टी के ऊपर टिकी हुई है और खास करके दरभंगा जिला में हम बात करेंगे आरजेडी के उम्मीदवार क्या लालू के करीबी उदय शंकर यादव को सता रहा है भीतरघात का डर, क्या ललित यादव निभाएंगे उनका साथ, ये बड़ा सवाल और इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रैक चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें, स्थानीय निकाय कोटे से हो रहे विधान परिषद चुनाव में हर सीट पर कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है, लेकिन विधान परिषद चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर कहीं का है तो वो दरभंगा की मानी जा रही है। यहां तेजस्वी यादव से लेकर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी तक की नाक दांव पर लगी हुई है। दरभंगा सीट पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी उदय शंकर यादव को आरजेडी का टिकट मिला है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सुनील चौधरी से है, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार को कहीं न कहीं भीतरघात का डर भी सता रहा है। इस वक्त सियासी जानकार मानते हैं कि दरभंगा की सीट पर अगर आरजेडी को सफलता नहीं मिलती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह भीतरघात तो हो ही सकती है। इस सीट पर पहले आरजेडी का कब्जा रहा है, लेकिन पिछली बार बीजेपी का, जानकार मानते हैं कि बीजेपी का था, लेकिन जानकार ये भी मान रहे हैं कि दरभंगा की सीट पर अति पिछड़ा वोट का फैक्टर सबसे मजबूत फैक्टर होगा। आपको बता दें कि पहले इस सीट पर ललित यादव अपने करीबी पप्पू सिंह के लिए टिकट चाहते थे। आरजेडी ने किसी तरह ललित यादव को इसके लिए राजी भी कर लिया। इधर उदय शंकर यादव को उम्मीदवारी की घोषणा खुद लालू प्रसाद यादव ने अपनी मौजूदगी में की थी। पिछले दिनों उदय शंकर यादव ने नामांकन किया तो ललित यादव भी उनके साथ खड़े थे। वैसे जिस दिन उदय शंकर यादव ने नामांकन किया था उसी दिन लक्ष्मण यादव ने भी नामांकन किया था। ये लक्ष्मण यादव वही है जिन्होंने अपने को आरजेडी की बागी उम्मीदवार भी बताते हैं और ग्रामीण विधायक ललित यादव के संबंधित भी बताते हैं। इधर उदय शंकर यादव के नामांकन के बाद ललित यादव एक जोरदार भाषण भी दिए थे। ललित यादव यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पार्टी के फैसले के साथ है, लेकिन चुनाव में कब कौन सा खेल हो जाए यह कोई नहीं बता सकता। हालांकि अब तक ललित यादव के सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर यह नहीं लग रहा है कि उन्होंने उदय शंकर यादव के लिए कोई बहुत ज़्यादा ताकत दिखाई हो। ऐसे में तेजस्वी यादव की परेशानी इस सीट पर बढ़ सकती है। एक तरफ तो यह लालू प्रसाद जी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ ललित यादव पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। अब सवाल यह है कि दरभंगा के सीट आरजेडी के फैक्ट में जाता है, आरजेडी के पक्ष में जाता है या फिर बीजेपी के पक्ष में, यह बड़ा